गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने मोबाइल का डेटा ऑन करते हैं तो किसी भी ब्राउज़र में दोस्तों आपके जो नोटिफिकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा लोग उनको आपकी जो ब्राउज़र है उसको चेक करते हैं, उसमें नोटिफिकेशन इस तरह के आए होते हैं जो कि देखने के काबिल बिल्कुल नहीं होते। तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपके किसी भी ब्राउज़र के जो नोटिफिकेशन होंगे उनको आप किस तरह बंद कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा वो नोटिफिकेशन देखने को ना मिले। बहुत जो दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके जो नोटिफिकेशन होते हैं क्रोम ब्राउज़र में वो उनको दोबारा रिपीट होकर दोबारा आते हैं जब भी वो डेटा ऑन करते हैं। जो लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक, तो लाइक कैसे करें दोस्तों, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल पर नए हर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं उसमें नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन हम बंद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो जब भी डेटा ऑन होता है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाए। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये क्रोम ब्राउज़र के मेरे नोटिफिकेशन है इधर, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे 1 2 3 4 5 6 7 नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको जब भी डेटा को ऑन करता हूँ ये मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है। अब इनको बंद किस तरह दोस्तों करना है, फ़र्ज़ करें आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, आप भी क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को क्रोम में बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि वो लैपटॉप और मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमारी जो सर्च बार है उसके साथ है 3 डॉट, तो हम यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग का। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि जी आपने गलत बताया, आपको बताना नहीं आता। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ स्टेप यहाँ पे बताऊंगा जिससे आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं और आप यहाँ पे क्या गलती करते हैं। तो सेटिंग ऊपर हम करते हैं क्लिक। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर रहती सारी सेटिंग, आप क्या करते हैं आप इधर जाते हैं नोटिफिकेशन में और इसके ऊपर करते हैं क्लिक और इसको कर दो जी बंद। अब हमारे जो नोटिफिकेशन है जी वो बंद हो गए, ऐसे बंद नहीं होते, आप इसको ऑन ही रहने दें। सबसे पहले आप जाएँ यहाँ पर साइड सेटिंग में, यही सारे लोग पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है जी, हमारे नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसे बंद नहीं होते। यहाँ से अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप सेम वही तरीका रखें, अगर आपके दोबारा नोटिफिकेशन कोई भी ऑन हो गया जो आपने यहाँ पे डिसेबल किया, अगर आपने किसी को अलाउ किया वो तो आने ही हैं, उसके बाद अगर फिर ये सेटिंग करोगे आपके फिर कभी नहीं आएंगे। साइड सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप कर दें कुकीज़ के ऊपर क्लिक। तो हम यहाँ पर करते हैं कुकीज़ के ऊपर क्लिक, यहाँ पे हमारे पास अलाउड है तो हम इसको कर देंगे ब्लॉक, दोबारा वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं जी नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन कौन से मेरे पास आते हैं, मेरे पास यहाँ पे यह नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो कितनी मेरे पास वेबसाइट हैं जिनको मैंने अलाउ किया है, 4। ऐप कितनी है, 1। एक क्रोम ब्राउज़र है, 4 मेरे पास ये है, ये जो है इनको मैंने अलाउ किया है, मुझे SMS आते हैं। अब यहाँ से इनको मैं ख़त्म कैसे करूँगा, मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आ जाता है क्लियर एंड रीसेट, क्लियर एंड रीसेट, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे रह गई हैं 3, यहाँ से भी रह गई हैं 3, इसको आपने एक एक दफ़ा क्लिक करते जाना है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ, ये चली गई, उसके बाद फिर दोबारा ये स्टेप आपने करना है, फिर यही दोबारा आपने इसको फिर रीसेट करना है। अब मेरे पास रह गई हैं जी यूट्यूब और गूगल, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूट्यूब के भी जो को नोटिफिकेशन है वो भी हैं और गूगल के भी हैं मेरे पास, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना यहाँ से आप क्या करेंगे इसको यहाँ से दोस्तों आप इसको ऑफ़ कर दें। मैं इसको ऑफ़ नहीं करना चाहता, मैंने जितने काटे हैं वो यहाँ पे काट दिए। अब दोस्तों यहाँ से आपने आ जाना है बैक, बैक आने के बाद दोबारा आपने इस नोटिफिकेशन के ऊपर अब क्लिक करना है, ये पहले काम नहीं करना इसने, अब ये अपना काम ज़रूर यहाँ पर करेगी। नोटिफिकेशन ऊपर करते हैं क्लिक और यहाँ से आप कर दें यहाँ पर नोटिफिकेशन शो ब्राउज़र, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये अब आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अगर आप दोबारा यहाँ पे अलाउ करेंगे, फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 को यहाँ पे अलाउ किया था, अब मेरे पास रह गए हैं 2, यहाँ से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है शो नोटिफिकेशन इसके नीचे, ये देखें। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसके भी शो ना हो आप इसको डिसेबल कर दें। तो दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र में अपने जो नोटिफिकेशन है उनको यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा लोग इससे बहुत परेशान थे लेकिन मुझे भी बोला कि आपने सही नहीं बताया, ये तरीका आप सेम स्टेप फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी फ्रेंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हम अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको किस तरह ऑफ़ कर सकते हैं, किस तरह बंद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में और चिड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।